हाथरस पुलिस की पशु चोरों से हुई मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने इस मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाश सहित तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, बीते 4 सितंबर को प्रमोद कुमार निवासी ग्राम चंदनपुर थाना हाथरस जंक्शन के घर में रात्रि में अज्ञात चोर घर का ताला तोड़कर घर में घुस आए और पशु खोलकर ले जाने लगे, जिसका विरोध करने पर अभियुक्तों ने प्रमोद के साथ मारपीट की। डिसीजन गाँव वाहनपुर में भी बदमाशों ने धर्मेंद्र और उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर पशु चोरी करने की कोशिश की। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। मंगलवार की मध्य रात्रि में थाना हाथरस जंक्शन पुलिस के गांव वाहनपुर के निकट पशु चोरों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश कलुआ उर्फ भेली घायल हो गया। उसे पुलिस ने उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने कॉम्बिंग कर उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के बारे में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के नाम कलुआ उर्फ भेली पुत्र रमन, बाकी पुत्र श्यामवीर और बादशाह पुत्र नविया निवासी गण मेवली थाना हाथरस जंक्शन हॉल निवासी खेड़ा बंजारा थाना नारखी जिला फिरोजाबाद है। इनके पास से पुलिस ने तमंचे चाकू और रस्सी बरामद की है। ये तीनों साथी किस्म के अपराधी हैं और इन पर पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं। विगत दिनों थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र में कुछ पशु चोरी की घटनाएं हुई थी। थाना प्रभारी हाथरस जंक्शन द्वारा वाहनपुर से चंदनपुर जाने वाले मार्ग पर पुलिस बल के साथ चेकिंग की जा रही थी। चंदनपुर से की तरफ आते हुए कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए, जिनको पुलिस बल द्वारा टॉर्च लगा के रोका गया, लेकिन पुलिस के न रोकने पे वो उल्टे दिशा में भागने लगे। पुलिस द्वारा दौड़ाकर उनका पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षा फायर किया जाने पर एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसने अपना नाम कलवा और शरीफ बताया है, जो कि मेवली का रहने वाला है, अभी फिलहाल नारखी क्षेत्र में रहता है। उसके कब्जे से एक तमंचा, दो खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु बागला चिकित्सालय रवाना किया गया है। दो अन्य व्यक्तियों की साथ ही गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक व्यक्ति बादशाह और दूसरा बाके है। बाके के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर अग्रेतर विधिपूर्ण कार्रवाई की जा रही है।